Namaste, you are most welcome to the YouTube channel, your YouTube channel that is the Analytica Ayurveda. And we are talking about the rules and regulation. You know, the journey we have completed about the rule and regulation, we have started it six, seven months back. Exact date I am not remembering, but it is the month of June when we started rule and regulation. And now we are in the eighth just two episodes on the Monday and then the drug act and the drug rules both are now completed. Drug and cosmetic act 1940 what the all the relevant part of the ASU we have completed back three four months then we have started drug rules 2020 not drug rules 1945 drug rules 2020. And now I am going to start today, rule 169. That is the experience. It will take two terms and then it's over. On your demand, on your suggestion, we may think about the inter interpretations or the discussions on the schedules. And if you start schedules, then the schedule A, all, all the forms, more than 20 types of the form. We have, to, we should know, and uh, if you like, I can discuss with you, and then we will go up to the schedule Y1. It is important to discuss schedule T, schedule uh, V, schedule K, and uh, all those things, and the schedule even schedule M, then the schedule z which is very much controversial. If you wish, we can. But the core, that is the drug and cosmetic act 1940, chapter 4a, and the drug rules 20, 2020. that is from rule 151 to the rule 170. we have covered on each monday. and many students, many co-learners, many research scholars are communicating that uh, in the real sense, they are beneficiary of all these acts. Just it is not thankgiving, but it must be a thanksgiving. In the completion of this uh, regular YouTube feature on my your YouTube channel, Anattai Ayurveda, the rule and regulations, my team must be appreciated by you all. The PG scholars, PhD scholars associated with me, and specifically uh, Dr. P. T. Tamta. भविष्य की डॉक्टर पीएचडी बनेंगी तब अभी तो मिस अपर्णा सिंह एंड अंजू जहांगीर दीज द टू थ्री पीपल हार्ड कोर दे ऑलवेज वर्क विथ मी टू गेट मैसेज टू यू पीपल राइट टाइम दे आर डूइंग रिकॉर्डिंग दे आर एडिटिंग तो हम करते ही नहीं हैं बट यस लेकिन बस जस्ट टू गेट इट अपलोडेड एंड मैनी मोर थिंग्स

क्योंकि वो सारे बोरिंग वर्ड यूज करना सही है यहाँ पे शेड्यूल ए के सारे फॉर्म्स लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो लेंगे ही लेकिन उनके फॉर्म्स को जो रिलीवेंसी में हैं उनको कवर करेंगे हो सकता है कि थोड़े दिनों बात करें क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा कोर लेना चाहता हूँ थोड़ा रसास के टाइटल्स लेना चाह रहा हूँ थोड़े भसज कल्पना के टाइटल्स लेना चाह रहा हूँ थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोफाइल पर बात करना चाह रहे हैं थोड़ी सेफ्टी प्रोफाइल पर बात करना चाह रहे हैं लेकिन ऐसे ऐसी चीज़ें आ जा रही हैं ना कि जिसमें कि सब कुछ एक तरफ की पैसाइड और शुरू तो कहीं एन के नए नोटिफिकेशन आ जा रहे हैं तो कभी नेशनल एनसीएसएम एम के नए नोटिफिकेशन कह देने पर सब कुछ आ गया नेशनल एग्जिट टेस्ट आ गया नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आ गया और ए आई पी जी टी आ गई सब आ गया और फिर कुछ कभी जजमेंट्स आ जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तो ये जो कोर है जिसके लिए कि मैं इस चैनल को एक तरह से सोचा कि नहीं क्लासेस बहुत अच्छे टीचर्स हर कॉलेज में अवेलेबल हैं बहुत अच्छे टीचर्स हमसे कई गुना अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं दे आर वेरी सीरियस दे आर टेकिंग वेरी गुड क्लासेस ऑन द सब्जेक्ट और वो ठीक है वो रो कर रहे हैं लेकिन एक थोड़ी सी जो बात आती है कि हाँ इसको थोड़ा और अच्छे रूप में किया जाए थोड़ा और टेक्निकली डेवलप किया जाए टेक्निकली डेवलपमेंट ही नहीं मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि उतना समय नहीं निकल पा रहा है कि मैं सीखूं कि एक साथ पावर पॉइंट कैसे अपलोड हो जाएगा फिर कैसे स्लाइड पर दिखाएंगे, फिर क्या होगा इसके लिए थोड़ा एक लगता है कि स्टूडियो ही चाहिए बिल्कुल एनी आओ कोशिश करूँगा कि कर सकूँ थोड़ा हेल्थ साथ दे दे, थोड़ा समय साथ दे दे। और समय साथ देने दे में तो सब कुछ आ गया ना समय एक ही एक शब्द समय में सब कुछ सीमित है समाहित है कभी कभी अच्छी हिंदी भी बोलने का अच्छा मन करता है तो समय शब्द में सब कुछ समावेशित है समाहित है और सारी चीज़ें हैं तो चलिए आज अब डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं ओपन द बुक किताब खोलिए। बिना किताब खोले कुछ भी नहीं होगा ओपन द बुक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो हो चुका है ड्रग रूल्स 2020 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 169 सिक्स नाइन दैट इज द परमिटेड एक्सीपियस और ये टोटल आठ इसमें पॉइंट्स हैं जिनमें हम आज चार को पूरा करने की कोशिश करेंगे लेकिन इसके भी पहले मुझे एक राइटअप याद आ रहा तुरन -तुरन है देखिए ऐसी चीजें तुरंत तुरंत याद आ जाती हैं इट वॉज जून यस मंथ वॉज जून ईयर आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग बट मे बी टू थाउजेंड फोर द टू ए ह्यूज राइटअप इंटरव्यू ऑफ द देन एडवाइजर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष लेट स्वर्गीय डॉक्टर एस के शर्मा जी का छपा था और वो पूरा इंटरव्यू था एक्सपिरियंट्स के ही बारे में और वो मुझे याद नहीं आया अभी याद आया यही एक थोड़ी सी ईश्वर की दी हुई बड़ी विशेष गुण है ईश्वर प्रदत्त ईश्वर की अनुकंपा से कि जब किसी विषय पर बोलना शुरू करते हैं ना तो उसके पहले मुझे नहीं पता रहता है कि क्या बोलना है लेकिन जब बोलना शुरू ये सीरियसली वेन आई स्टार्ट एनी टाइटल आई वॉज नॉट नोइंग वट आई एम गोइंग टू स्पीक ट्रू लेकिन जब शुरू होते हैं तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से सारी जानकारियाँ याद आने लगती हैं तो इसी को ईश्वर प्रदत्त शक्ति कहते हैं क्षमता कहते हैं तो अब मैंने सोच तो लिया था कि रूल 169 सिक्स नाइन परमिटेड एक्सीपियंस बोलेंगे लेकिन जब एक्सीपियंट्स शब्द आया तो मुझे वो राइटअप याद आ रहा है राइट अप के फिर पीछे की कहानियाँ याद आ रही हैं तो चलिए थोड़ा थोड़ा उनको बताते हैं लेकिन एग्जैक्टली exactly नहीं याद है इसलिए तैयारी करके आनी चाहिए आई एम सॉरी मैं तैयारी नहीं करके आया हूँ तो वो राइटअप टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया में भी संडे टाइम्स ऑफ इंडिया था वो संडे का स्पेशल इशू हो ग्लाजी पेपर वाला था और उसमें सारी एक्सीपियंट्स की कहानी थी बैक आई थिंक बैक 20 ईयर कि एक्सीपियस किस तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसन्स में आ रहे हैं उनके प्रजेंटेशंस में तो आई वॉज वेरी बस थ्रील्ड नया नया लेक्चरर था दो तीन साल हुआ था मुझे लेक्चरशिप करते हुए और जामनगर में था द साइट ऑफ द लर्निंग तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वाह क्या चीज़ दिखी मुझे और मुझे अच्छा लगा कि एक्सीपियंस के बारे में इतनी बड़ी न्यूज़ वो संडे टाइम्स ऑफ इंडिया में हो हाफ पेज न्यूज़ आई जैसे कि अभी कोरोना काल में इंडियन एक्सप्रेस में आई थी शानदार थी अभी उसकी कॉपी रखा हूँ मैं और उसने भी बहुत अच्छा कवर किया था अभी द वीक ने पकड़ा था इंडिया टुडे में भी आया था कभी कभी स्पेशल इशूज आते हैं आयुर्वेदा इंडस्ट्री के और अभी मुझे डे बिफोर स्टर्डे एक इन्विटेशन आया है बहुत अच्छा इन्विटेशन आया है फोरम फॉर्म ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन से कि मैं इंडस्ट्री के ऊपर एक रिव्यू राइटअप लिखूँ कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी एक रिसर्च स्कॉलर के साथ लिखें तो बातें हुई बातों में बहुत सारी बातें आती हैं तो ये जो संडे टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पेशल इशू था आयुर्वेदा इंडस्ट्री पे इंडियन एक्सप्रेस का स्पेशल इशू था आयुर्वेदा इंडस्ट्री पे द वीक में स्पेशल इशू था आयुर्वेदा इंडस्ट्री पे द इंडिया टुडे में मतलब इंडिया टुडे में एक स्पेशल इशू था आयुर्वेदा इंडस्ट्री पे वो सब कुछ बहुत कुछ बताते हैं बहुत कुछ नॉलेज देते हैं और बहुत कुछ ट्रेंड बताते हैं आपको लेकिन ये सब मैं 2003 से उठा करके 2023 तक के 20 साल के इस स्पेशल इशूज़ की बात कर रहा हूँ जो बहुत रेयरली आते हैं इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स में नेशनल न्यूज़पेपर्स में ये सब चीज़ें रेयरली होती हैं आयुर्वेद के लिए ट्रू रेयरली होती हैं लेकिन होती हैं है ना तो उनमें एक्सपीरियंस के बारे में पूरा छपा था मैं बड़ा खुश हुआ दिल्ली में एक मीटिंग में गया और अपने एडवाइज़र साहब के पास मीटिंग वही चेयर ही करते थे अक्सर ड्रग वाली तो मैंने उनसे कहा कि सर ये बड़ा शानदार आया है और ये जो रूल इंट्रोड्यूस हुआ है वन सिक्स नाइन का या उसके पहले उस रूल में जो सारी बातें आई हैं वो सब बहुत ही अप्लीकेबल हैं और बहुत अच्छा हुआ तो उन्होंने मुझे एक बात कही वो बात मैं आपसे शेयर करती हूँ बोले कि देखो आनंद ये तो बहुत पहले से ही इंडस्ट्री कर रही है ये सारे एक्सपीरियंस मिला रही है तभी टेबलेट्स बाज़ार में हैं कैप्सूल्स बाज़ार में हैं नए नए फॉर्म्स हैं हम लोगों ने इसके पॉपुलैरिटी होने के बाद इसके इंपॉर्टेंस को देखने के बाद इसको लीगल पोजीशन दे है तो मेरा ज्ञान चछू खुले ए? ऐसा भी होता है तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें ऐसी ही होती हैं ऐसी ही होती हैं 2008 का ये नोटिफिकेशन है उन्होंने कहा सर ने स्वर्गीय डॉक्टर एस के शर्मा जी ने कहा कि ये तो बीस तीस साल से मार्केट में है हाँ मतलब बीस तीस साल का मतलब जब हिमालय आई अपना पहला टेबलेट लेकर के पहला टेबलेट आयुर्वेदा इंडस्ट्री में हिमालय लेकर आई जहाँ तक मेरी जानकारी है जो मैं जानता हूँ अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली मुझे करेक्ट करिए और फिर हिमालय की भी एक कहानी है कि वो देहरादून से कैसे उठ के बम्बई गई देहरादून से शुरू हुई है हिमालय बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कहीं इस पर भी एक दिन वीडियो बन जाएगा कि वैद्यनाथ कहाँ से शुरू हुआ आचार्य तिवृत विक्रम जी तिक्रम जी आचार्य जी ने आचार्य यादव जी तिक्रम जी आचार्य यादव जी ने कैसे इसको शुरू कराया बैद्यनाथ नारायण शर्मा उन दोनों लोगों में क्या दोस्ती थी बैद्यनाथ कैसे शुरू हुई डावर कैसे शुरू हुई सारी कहानियाँ ईश्वर की दया से मुझे मालूम है क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूँ तो इन चीज़ों को भी पढ़ते हैं तो अब हिमालय कहाँ से शुरू हुई उसकी स्टोरी पढ़िए धूप पापेश्वर की स्टोरी को जानिए कि कहाँ से कैसे शुरू हुई और कहाँ मूल गोवा के पास से ये लोग आए रंजीत पुरानिक साहब के परदादा उनके पुरखे आजकल तो सभी लोग वैद्य आई मीन नॉट वैद्य रंजीत जी वैद्य नहीं हैं बस बी एम डिग्री नहीं है, है बाकी सब कुछ हैं वो तो कैसे उन्होंने मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट तो दे ले दिया लेकिन मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रहा है कि रंजीत सर बी एम हैं कि नहीं है चलिए मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ करेक्ट करके कर फिर बोलूँगा लेकिन उनके जो परदादा थे उन्होंने धूत पापेश्वर को अद्धूत पापेश्वर एक भगवान का नाम है शिव जी का मंदिर है उनके पैतृक गांव में वहाँ से ही शुरू हुई ये कंपनी तो बातों में बातें देखिए सब बातें आ रही हैं तो ये सारी कंपनियों ने जो आयुर्वेद के लिए नए नए तरीके के डोजेस फॉर्म्स ले आए मैं ये कहना चाह रहा हूँ चाहे वो आयुर्वेदशाला कुटकल हो चाहे वो वारियर साहब की सौ साल हो गए चाहे वो बैद्यनाथ हो चाहे वो डाबर हो चाहे वो हिमालय हो ये जो पुरानी पुरानी कंपनियाँ हैं जो कि एक सिग्नेचर हैं और अपने आप को आज भी मेंटेन की हुई हैं वो लोग इस सब चीज़ों को डेवलप कर चुके थे और एक्सपीरियंस के रूप में यूज़ करके उन आयुर्वेद के नए डोजेस फॉर्म्स को प्रोवाइड करा रहे थे लेकिन उनके पास लीगलिटी नहीं थी और यही बात स्वर्गीय एस के शर्मा जी ने मुझसे कही जब मैं बड़ा खुश होकर के उनको कहा सर ये संडे टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पेशल इशू में ये ग्लॉसी पेपर पर ये सारे एडिशंस और एक्सपीरियंस की चीज़ें निकली हैं तो मुस्कराए और कहे क्या तुम सोचते हो कि ये नया हुआ है आयुर्वेद में मैंने कहा हाँ सर ये नया हुआ है आयुर्वेद में बोले नहीं इसको कानूनी जामा पहनाया गया है ये तो चालीस साल पहले से हो रहा है अरे तो झटका सा लगा था मुझे अरे मतलब प्रैक्टिस में चीजें थी नियत अच्छी थी नियत ही अच्छी थी लेकिन वो लोग बिना किसी का उसके कर रहे थे बिना किसी लीगलिटी के कर रहे थे वो सारी चीज़ें और जनसेवा अच्छी हो रही थी प्रजेंटेशन्स अच्छे थे जनता को लाभ हो रहा था रोगी को लाभ हो रहा था और इंडस्ट्री इसको कर रही थी आज भी बहुत सारे काम हम लोग करते हैं साफ़ नीयत से करते हैं नेक नीयति से करते हैं जब पब्लिक कॉमन उसको स्वीकार भी करती है लेकिन उसके पीछे अगर आप लीगलिटी तलाशने चलेंगे तो पता चलता है कि नहीं है यही चीज़ यहाँ तो एक्सपिय जो रूल 169 में आए वो इसकी नोटिफिकेशन डेट के वर्षों वर्षों दशकों दो दशक तीन दशक पहले से प्रैक्टिस में थे और उन साइंटिस्ट को सलाम उन उन उन, 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 उन प्रोप्राइटर्स को उन मालिकों को जिन्होंने इन कंपनियों के ऊपर अपना जीवन दिया उनसे बनाया और उसमें इतनी एडवांसमेंट्स ले आए रिस्क लिया उन लोगों ने और आयुर्वेद के डोजेस फॉर्म्स को बदला और उसको आज की तारीख में कंटेम्परे प्रेजेंटेबल बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल अथॉरिटी तो उनको बाद में आई और ये आज अब और किस रूप में आई उसको अब डिस्कस करते हैं ये तो थोड़ी बैकग्राउंड जरूरी थी आपको बताना कि एक्सीपियस जैसे कि सेल्फ लाइफ पीरियड है बहुत पहले से चल रही थी लेकिन लीगलिटी उसमें फिर 2005 फिर टू का फाइनल नोटिफिकेशन फिर 2016 का नोटिफिकेशन वो कुछ चीज़ें जब देश विदेश की बातें आती हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून की बातें आती हैं तब भारत सरकार को भी कानून बनाना पड़ता है तो ये चीज़ें उस हिसाब से हुई हैं चलिए किताब तो खुली गई होगी और इंट्रोडक्शन हो ही गया तो दस मिनट इसको लाइन बाई लाइन पढ़ लेते हैं तो रूल वन सिक्स नाइन परमिटेड एक्सीपियस परमिटेड एक्सीपियस एलॉन्ग विद देयर स्टैंडर्ड्स दैट इज एफिडेविट्स प्रिजरवेटिव एंटी ऑक्सीडेंट्स फ्लेवरिंग एजेंट्स एक एक शब्द का महत्व है एफिडेविट्स प्रिजरवेटिव एंटी ऑक्सीडेंट्स फ्लेवरिंग एजेंट्स, एजेंट्स किलेटिंग एजेंट्स एट्सट्रा परमिटेड इन द इंडियन फार्माकोपिया आई पी पूरा इकट्ठा एक, एक साथ सब इंडियन फार्मोपिया में जो है वो यहाँ भी होगा इसका एक दूसरा आइडिया भी है उस पर भी हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ फूड एलिट्रेशन एक्ट पी एफ है ये मॉडिफाई हो चुका है कई बार एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 ये भी अब बी बी आई एस भी बहुत अभी मैं चेन्नई में जब था छः सात जनवरी को तो मेरा नॉलेज इसमें बहुत बढ़ा आई अटेंडेड ए लेक्चर मैंने एक वीडियो में बात कही है और उनकी वो डॉक्टर मीनाक्षी सिंह नाम था और हायर हायर पोजिशन पर थी एंड देन आई केम टू नो कि बीआईएस तो बहुत काम कर रहा है आयुर्वेद के ऊपर और उसके एक अपनी एक अलग टास्क फोर्स है तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 आर परमिटेड फॉर यूज़ इन आयुर्वेदी सिद्धा ड्रग्स विद द फॉलोइंग कंडीशंस नेमली अब यहाँ थोड़ी सी बात करते चले कि जो आई पी अलाउ किया है फ्लेवरिंग एजेंट क्लेटिंग एजेंट्स एंटी ऑक्सीडेंट्स कलरिंग एजेंट फ्लेवर और ये सब प्रिजर्वेटिव सबका सब, सब आयुर्वेदिक दवाओं पर लागू होगा कुछ कंडीशंस भी हैं अभी उन पर डिस्कस करते हैं बी आई एस का स्टैंडर्ड और फिर फूड प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इसके बारे में भी बात करते हैं अब एक शंका हमेशा मेरे दिमाग में रहती है और एक हर विद्यार्थी के दिमाग में रहती है चूंकि एक विद्यार्थी के ही रूप में हमेशा कार्य करना चाहिए इसलिए मेरा तो यही इंट्रोडक्शन ही होता है कि मैं आयुर्वेद रसास्त्र का एक विद्यार्थी हूँ तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी क्राइटेरिया है एक्सीपियस को मानने का उनकी मतलब मॉडर्न मेडिसिन बायो मेडिसिन आई इंडियन फार्मोकोपिया तो वो उस मॉलिक्यूल के साथ जो उनकी दवा है जो उनकी केमिकल इंटाइटी है जो एन है जो न्यू केमिकल इंटाइटी एक नया मॉलिक्यूल आता है तो वो उसकी पहले रिएक्शंस देखते हैं उस एक्सीपियंट्स के साथ और अगर वो इनर्ट है तो वो उसको परमिट करते हैं एक्सीपियस के रूप में मुझे रह रह के ये शंका होती है कि क्या हमने ये टेस्ट अपनी आयुर्वेदिक औषधियों के लिए भी किया है क्या हमने एक्सीपियट्स की इनर्टनेस देखी है क्योंकि एक्सीपियट्स का मतलब ही यही होता है कि वो जो एक्टिव मॉलिक्यूल है उनके यहाँ तो मालिक्यूल ही है ना तो जो एक्टिव मालिक्यूल है उसके साथ उसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं या जो उसके इफेक्ट्स हैं तो वो जो ऐड किया जा रहा है ना उसके साथ वो एंटागोराइज कर रहा हो ना उसको कर रहा हो। इनर्ट जो है वही एक्सीपिय कहलाएगा अब ये वो कोई भी मॉलिक्यूल ले आते हैं तो के लिए ये टेस्ट करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल स्टडी के दौरान प्री क्लिनिकल के दौरान हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे संदेह है मुझे तेईस वर्ष का अनुभव हो गया है लेकिन मुझे संदेह है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा ही कि ये प्रिजम्पन है और एविडेंस बेस्ड होगा कि नहीं होगा मैं फिर से अभी इस पर अपने एक क्वेश्चन मार्क लगा करके बोलूँगा कि ये इस रूप में मान लेना कि जो आई के एक्सिपिएंट्स हैं वो टोटली आयुर्वेदिक मेडिकामेंट्स पर एज ए एन एक्सीपिय काम कर जाएंगे ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ रिपीट कर रहा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए हमें एक स्टडी इसकी भी रखनी चाहिए कि जो वो एक्सिपिएंट्स हैं जो बायोमेडिसिन में यूज़ हो रहे हैं जो प्रिजर्वेटिव में बायोमेडिसिन में यूज़ हो रहे हैं प्रिजर्वेटिव्स वो हमारे आयुर्वेदिक मेडिकामेंट्स के साथ भी इनर्ट हैं कि नहीं हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हमको दिख जाते हैं आयुर्वेदिक दवाओं में पैकिंग के दौरान या उनकी एप्लीकेशंस के दौरान आई I मीन mean कि ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म्स कि एक अनवांटेड अनडिज़ायर्ड इफेक्ट दिखने लगता है तो मे बी देयर इज अ वन रीज़न दैट द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सिपियंट्स एंड द एक्टिव मेडिका शंका है तो इसके बारे में समाधान भी आएगा और बहुत सारे लोगों से जितने इंडस्ट्री में भाई मेरा सब्जेक्ट है मेरा थर्स्ट एरिया है इंडस्ट्री आयुर्वेदिक इंडस्ट्री तो मैं इस पर अक्सर चर्चा करता हूं और हायर अथॉरिटी लेवल पर चाहे मिडिल अथॉरिटी से, से चाहे ये साइंटिस्ट लेवल पर चाहे एनालिस्ट लेवल पर मुझे जब मौका मिलता है मैं ये सवाल पूछता हूँ चाहे मैं जिस कंपनी में भी गया हुआ हूँ या तो सवाल पूछता हूँ तो मुझे उदाहरण और एक जो एंसोर्स मिलते हैं वो सेटिस्फैक्ट्रीली मिलते हैं कि नहीं हमने चेक किया है नहीं हमने देखा है हम कोई भी एक नया डोजेस फॉर्म आयुर्वेद का लाते हैं तो हमने देखा है कि इसमें जो एक्सीपियस डाले जा रहे हैं एज एन एक्सीपियेंस वो हमने उनकी इनर्टनेस चेक कर ली है आई डू बिलीव ऑन दोज स्टेटमेंट्स बट माई सबमिशन माई माई डाउट इज वेदर दिस इज़ बीग डन बाई ऑल दोज रेस्ट Industry which are having just 5 crore of the business or 10 crore of the business or the 100 even up to the 100 crore of the business whether all they are doing this systematic phenomenon that uh, before adding any preservative to any formula and this specifically those section 3 HP and P and even the classics if they are uh, under the section 3 if they are preparing something.

पोटेंसी नहीं है कोई भी वर्ड यूज़ कर लीजिए सबरे वर्ड एक ही मीनिंग के नहीं होते हैं सबके अलग अलग अर्थ हैं बट मेरे मतलब लगता है कि दे आर नॉट सच इक्विप्ड इक्विप्ड कि वो ये सारे टेस्ट कर सकें हाँ वो करते हैं जिनका बिजनेस 500 करोड़ के ऊपर है वो सब करते हैं और उनके वो डाटा भी देते हैं उनका कोई भी डोजेस फॉर्म आता है तो उसका वो डाटा देते हैं एक्सीपियंस की इनर्टनेस को वो चेक करते हैं तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि दवाइयों का जो आप यूज़ करें तो खाली आंख बंद करके न करेंगे आयुर्वेदिक दवा हो गई है और खिस जीएमपी सर्टिफिकेशन पर भी बिल्कुल मत जाएगा जीएमपी सर्टिफाइड है नहीं भाई नहीं आपको उस कंपनी की ब्रांड रिव्यू पर भी जाना पड़ेगा उसकी वर्किंग रियल वर्किंग कल्चर को भी देखना पड़ेगा कि वो वाकई किस तरीके से मार्केट में है नहीं तो घोटालेबाज धंधेबाज धोखेबाज कुछ बोलिए ऐसे शब्दों को बोलिए चीटर्स आर अवेलेबल इन एबेंडेंस जो आयुर्वेदिक औषधि के नाम पर कुछ भी बना करके जनता को दे दे रहे हैं और जिनकी ड्यूटी है रोकने की गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स या एनालिस्ट वो शायद वहाँ ढेर सारे शायद है पीछे के वीडियोज़ में मैं बात कर चुका हूँ तो चलिए पॉइंट नंबर वन पे आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है एक्सीपियस वाला इसको लोग उठाते रहते हैं मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीों के नाम ले रहा हूँ तो आज तो मैं नाम से ही बात कर रहा हूँ तो उसमें चाहे वो पतंजलि की दवाएं हों चाहे उस श्री श्री की दवाएं हों और डाबर वैद्यनाथ दूध पापेश्वर चरक सांडू बाकी तो सबका मैं नाम ले ही लिया हूँ आयुर्वेदशाला कोटकल ए वी पी कोयम्बटूर सब जो भी लीडर्स हैं इस फील्ड के आई मीन कि एमिल है दे आर डूइंग दिस इनर्ट एविडेंस बेस्ड इनर्टनेस का वो चेक करते हैं और उसके एविडेंसेस देते हैं कि उनके एडोजेस फॉर्म में जो भी वो एक्सीपियंस मिला रहे हैं वो इनर्ट हैं वो उसके फार्मोकोलॉजिकल एक्शन या थिरोपेटिकिफिकेसी को वो चेंज नहीं करती हैं सिनर्जाइज एंड ऑर्गोनाइज नहीं करती हैं लेकिन व्हाट अबाउट द अदर्स हियर आई फील एंड हियर आई हैव डाउट ओके नंबर वन द एब एक्सीपरियंस सेल बी यूज इन द परमिसेबल लिमिट एज प्रिस्क्राइब In the Indian Pharmacopoeia, Prevention of the Food Adulteration Act 1954, Food Product Order, Bureau of Indian Standard Act 1986, and they shall comply with the respective quality specification not exceeding any specified limits of. uses there in and accept hydrogenated vegetable oil इन्होंने फिर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया वरना आने ये लोग यूज तो करते थे खाली इल्लीगलटी दी गई है इतने बात दी गई 40 साल के बाद दी गई ये कह रहे हैं कि जो भी है परमिशिबल लिमिट इन सारे एक्सेपियंस की वो वही होगी जो कहाँ हैं इंडियन फार्मोकोपिया में है बी आई एस में है एंड फूड प्रिवेंशन एडल्ट्रेशन एक्ट में है ओके okay, साहब एक इन्होंने एक्सेप्शन दे दिया अब फिर से मैंने कहा ना कि मुझे तैयारी नहीं है इसलिए मैं अभी तुरंत नहीं बोल सकता लेकिन संकारियत तो में आगे की वीडियो में ये बात कर लूँगा कि क्या ये एक्सेप्शन उधर भी मिला हुआ है उधर मतलब इंडियन फार्मोकोपिया कि हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल या आयुर्वेद के लिए ये अलग से दिया गया है कि एक्सेप्ट हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल तो यहाँ हमारे पीजी स्कॉलर्स बैठे हुए हैं तो और इनको आपने अभी इनका नाम सुना ही धन्यवाद ज्ञापन में तो प्रीति टमटा आप इसको नोट कर लीजिए और मुझे बताइएगा अभी जस्ट इस रिगार्डिंग के बाद कि हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल का एक्सेप्शन सिर्फ ये रूल वन सिक्स नाइन में है या इंडियन फार्माकोपिया में और लोगों को भी दिया गया है नंबर टू पढ़ लेते हैं वन नेचुरल कलरिंग एजेंट एज परमिटेड अंडर रूल 26 सिक्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल्स 1955 फिफ्टी विल बी यूज फॉर आयुर्वेदा यूनानी ड्रग्स एंड एडिशनली कलर परमिटेड अंडर रूल 127 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 फोर्टी सेल बी यूज फॉर प्रोपाइडली आयुर्वेदिक ड्रग्स एज defined इन सब clause आई ऑफ द क्लॉज एच ऑफ द सेक्शन थ्री ऑफ द drug एक्स कॉस्मेटिक एक्ट नाइनटीन फोर्टी एंड नॉट एक्सीडिंग एनी स्पेसिफाइड लिमिट्स ऑफ यूजेज देआर इन यही तो सारी कहानी थी और यही तो यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई क्या है ये कि ओनली नेचुरल कलरिंग एजेंट्स एज परमिटेड अंडर रूल 26 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन रूल्स 1955 आप मिठाई बहुत खाते हो ना कभी किसी जमाने में हम भी खाया करते थे अब देखने में भी डर लगता है कि क्या बिगड़ जाएगा खाने पर है ना तो बड़ी तिरंगा मिठाई भी बना करती थी इस इलाके में उत्तर प्रदेश के भारतीय ध्वज के कलर की मिठाई तो क्या खोवा उस रंग का आता है क्या नहीं आता है तो सारे कलरिंग एजेंट मिलाए जाते थे और अलग अलग कलर्स की मिठाइयाँ आती हैं जैसे कि ठीक है वो जो एक रंग बदलता है गुलाब जामुन बनाने में वो सेंकने का वो रंग अलग है पूड़ी का भी रंग बदल जाता है जो उसके आटे का बेल करके आप डालते हैं तेल से निकालते हैं तो वो कलर एक अलग से जो सेफरेट कलर का आता है वो रंग अलग है वो 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 एक अलग प्रोसेस है उस पर भी बड़ा अच्छी तरीके से बात करने की इच्छा होती है मुझे तो एक ही चीज़ याद आती है कि, कि किसी ऐसे दुकान पर चले जाइए और वो तेल मुझे याद है ओ हो वैष्णो देवी हम लोग गए थे वहाँ से फिर एक जो जा, जहाँ जाते हैं भारव जी का तो भोर का ही वक्त था वहाँ पहुँचे और उसने कहा कि कुछ देखा जाए खाला जाए मैंने उस जो तेल में वो तल रहा था वहाँ पर भैरव जी के पास उस तेल तो सड़क के कोलतार से भी काला था और नीचे उस कढ़ाई की तलहटी नहीं दिखाई दे रही थी उसमें तली हुई चीज़ भारतीय कोई खा ही रहे हैं और खाते ही हैं तो इनकी इम्यूनिटी इतनी तेज़ है भारतीयों की कि वो कि किसी को कुछ नहीं होता लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि खा लें तो पाँच दिन बीमार ही पड़ेंगे तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए हम लोगों को कि एक ही तेल को कितनी बार रिसाइकिल किया जा रहा है और हर बात पे वीडियो नहीं बनाई जा सकती है लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो एक तेल भी एक अच्छा आइटम मुझे लग रहा है टॉपिक के लिए जनसाधारण के लिए कि कितनी बार हीट किया हुआ तेल हम अपने घर में यूज कर सकते हैं या जो मार्केट में लोग यूज कर रहे हैं क्या उसमें कोई स्टैंडर्ड है कि कोई भी हलवाई की दुकान पर या किसी भी रेस्टोरेंट में जहाँ गरम गरम बनारस में कचौड़ी सुबह सुबह छप छन रही है तो वो तेल कितनी बार यूज हुआ है और कब से यूज हो रहा है और कब तक यूज होना चाहिए मुझे किसी ने देखिए हर चीज़ पे एक इंटरेस्ट होता है तो मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों पर है तो मैं ऐसे ही किसी से पूछा कि कितनी बार का तेल है जो आप बन रहा है तो उन्होंने बड़ा गोल मोल जवाब दिया अरे हम टीना का टीना तेल रोजा बदली ला भोजपुरी बोले बनारसी बोले हैं कोई विदेशी भाषा नहीं बोले हैं ठीक है ना तो मान गए भाई टीना का टीना तेल तो रोजा बदला तो हुआ तो ठीक है हो बदला लेकिन मुझे किसी ने बताया कि ये जो फाइव स्टार होटल्स हैं जो अच्छे होटल्स हैं वो कोई भी ऑयल जो है एक ही बार यूज़ करते हैं और एक मॉर्निंग उन्होंने अपना कुछ भी प्रिपरेशन किया और जो ऑयल बचा वो उनके यहाँ से हटा दिया जाता है और फिर वो मार्केट में हाइपर मार्केट में चला जाता है और फिर वो रीपैक्ड होता है रिफ्यूल होता है नीचे के हलवाइयों तक आता है या कहाँ जाता है अब नीचे का हलवाई भी उसको कितनी बार यूज कर रहा हूँ फिर वो कितना नीचे जाता है सब शोध का विषय है कोई देखिएगा लेकिन आपको एक जागरूक कर रहा हूँ मैं खाली कि ऑयल्स जब आप बाज़ार की कोई भी चीज़ अभी कल एक हमारी रिसर्च स्कॉलर हैं अपर्णा जी कह रही थी कि ये जो बाज़ार की चीज़ें सर आप दोपहर में स्नैक्स के रूप में लिए हुए हैं उसका रिफाइंड ऑयल का पोजीशन क्या है वो किस तरीके के ऑयल में और कितनी बार के ऑयल में तला गया है मैं भी सोच में पड़ा कि ये तो क्वेश्चन आता है तो खैर बाज़ार में आप कुछ खरीदते हैं तो आप एक नमकीन खाते हैं तो खाते ही उसको थूक देते हैं अगर वो हल्दीराम की नहीं है और किसी लोकल मार्केट में दाम कम होने के राम में ले लिए इसमें इतना कसैैलापन रहता है कुछ अच्छे स्टैंडर्ड के हैं जिनको आप खाते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक है तो कसैलापन क्यों आ जाता है जो ऑयल यूज़ हुआ है जिस ऑयल में वो नमकीन छनी गई है फिर पैक करके भेज दी गई है बाज़ार में तो इन चीज़ों को देखना चाहिए अब मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर अवेयर होना चाहिए और ये जो कलरिंग एजेंट से बात शुरू करके हम हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल्स आइल्स तक गए तो कलरिंग में भी बहुत सारे कलर लोग डाल देते हैं देखिए कहाँ से शुरू किए थे कि एक नेचुरल कलर आता है कुकिंग के दौरान का और एक एग्जांपल तो देना ही पड़ेगा एक सब्जी बनी थी अभी मत पूछिएगा कहाँ बनी थी मेरे घर में बनी थी भाई ठीक है ना? परसों शाम को और मिक्स थी बहुत सारी चीज़ें ये आजकल जो मशरूम है और क्या आजकल ब्रोकोली वगैरह सब मिल रहा है तो कुक से मैंने पूछा जब मैंने उसको खाया कि भाई कलर तुमने कहाँ से मेंटेन किया ये कलर जो सब्जियों का कलर हो जाता है वही है इसमें ये वाइट कलर क्यों आ रहा है प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो मुझे जो उत्तर मिला वो तो बड़ा संतोषजनक मिला क्योंकि कुक कह देने से सम्मान में गड़बड़ आ जाती है वो अपनी धर्मपत्नी तो महोदय से मैंने ये पूछा था कि ये कलर कहाँ से आपने मेंटेन किया तो वो बताएं कि ये कलर इसमें बिल्कुल इस इतनी छोटी छोटी हमने चीज़ें डाली और इसलिए ये इसका एकदम नेचुरल कलर है जो उस वेजिटेबल का है तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप ग्रेवी वगैरह भी खाते हैं ना किसी होटल्स में और वो गाढ़ा लाल रंग दिखाई देता है ना तो ये आपको बता ही दे आज न जानते हो तो जान लीजिए ये जितनी तरीके के पांच वैरायटीज आ करके आपको होटल में बताता है ना शाही पनीर दो प्याजा पनीर कढ़ाई पनीर हल्दी पनीर बाल्टी पनीर हाँ थाली पनीर ये सब नहीं होता है मतलब जो हांडी पनीर आती है या और भी जो दुनिया भर की जो वैरायटीज आती हैं ये, ये 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 सब की ग्रेवी एक येलो कलर की एक रेड कलर की अलग रहती है उसमें वो सौ ग्राम डाल करके वही भून करके आपको दे देता है खाओ किसी की भी ग्रेवी अलग नहीं होती एक कॉमन ग्रेवी बना करके होटल्स में लोग रखते हैं नहीं अभी मैं फसाई वाले पर आऊँगा अब मुझे सारा समय मिलेगा तो रूल एंड रेगुलेशन ख़त्म ही हो रहा है तो मैं उसको टेकअप करने वाला हूँ हाँ भाई मुझे फसाई भी लेनी थी फ़ूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहाँ इन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे आपसे कॉमन ग्रेवी होती है चाहे वो चिकन में भी वही डालते हैं पनीर में भी वही डालते हैं और अगर आप कोफ़्ता सोफ्ता बनवा रहे हैं ना उसमें भी वो वही डालते हैं तो बात कलर डाल करके वो उसको डालते हैं और उसी के लिए फूड एंड प्रिवेंशन एल्यूट्रेशन एक्ट बना हुआ है लेकिन एक्ट किस तो ऐसी की तैसी हो जाती है और हाँ एक्ट की ऐसी थी तैसी होती है मास्टर हूँ तो बोल सकता हूँ तो कुल मिलाकर के कहने का ये तात्पर्य है कि ईमानदारी चाहिए ईमानदारी चाहिए कि ह्यूमन हेल्थ के प्रति हम ऑनेस्ट हों और ह्यूमन हेल्थ के प्रति ऑनेस्ट लोग रहते हैं लेकिन जहां पैसा दिखने लगता है तो वहां डिसऑनेस्टी हो जाती है और इसके लिए जिम्मेदार एक नॉर्मल ह्यूमन भी है उसको इतना पता नहीं क्या चाहिए उसको खाने में और क्या कलर चाहिए क्या करते हैं मैं अब बातें मुझे बहुत सारी याद आ रही हैं लेकिन मैं उनको थोड़ा सिस्टेमेटाइज करके बोलूँ मीट के शोरवे का कलर लोग कहते हैं कि जब तक लाल रंग का ना हो जाए तो लाल रंग देने के लिए भी कुछ मिलाया जाता है उसमें मीट के शोरुए का लाल रंग अब उसको क्या मिलाया जाए क्या न मिलाया जाए इसके लिए कानून है कितनी मात्रा में मिलाया जाए इसके लिए कानून है कानून कितने लोग जानते हैं और कानून का मतलब है कि उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है कि इतनी मात्रा में दो किलो के मीट की मात्रा में उसके इस शौरबे में इस मात्रा में ही वो कलरिंग एजेंट नेचुरल कल, नेचुरल कलरिंग एजेंट वो मिर्चा जो भी है उसको डाला जाता है लेकिन स्वाद के लिए दिखाने के लिए कोई भी चीज़ किसी भी मात्रा में डाल दी जाती है अब कैप्सूल्स और टैबलेट्स पर आए एक्सप्रियस की तो कोई कैप्सूल आपको नीली दिख रही है कोई पीली दिख रही है कोई हरी दिख रही है कोई नारंगी दिख रही है कोई बैंगनी दिख रही है तो ये सब क्यों आते हैं हमारी जितनी हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं हम तरह भस्मों की बात अलग कर देते हैं लेकिन अगर हम भस्मों को भी इन प्लांट एक्सट्रैक्ट प्लांट पाउडर्स में मिलाते हैं तो सबका कलर तो एक वही कलर हो जाता है लेकिन इनके फिर कलर्स अलग अलग इन टैबलेट्स के क्यों दिखाई देते हैं तो इसलिए दिखाई देते हैं कि वहाँ कलरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं तो उन कलरिंग एजेंट्स के लिए भी एक अच्छी खासी परिभाषा है डिफिनेशंस हैं तो अब इसको अलग से पढ़ाई की जाएगी कि ओनली नेचुरल कलरिंग एजेंट्स एज परमिटेड अंडर रूल 26 रूल 26 है तो इसका मतलब बायोमेडिसिन हो गया और विल बी यूज फॉर द आयुर्वेदिक सिद्ध जो उधर यूज किया है वो इधर यूज करना है एडिशनली और एक एडिशनल भी दिया गया कि कलर्स परमिटेड अंडर रूल वन ट्वेंटी सेवन मतलब ये भी इधर इधर के लिए हो गया क्योंकि हमारे ऊपर तो रूल वन फाइव वन से ही शुरू होता है सेल बी यूज फॉर प्रोपर्टी आयुर्वेदिक सिद्धा यानी ड्रग्स एज डिफाइंड इन द सब क्लास क्लास एच ऑफ दिस दिस एक्सीडिंग एनी स्पेसिफाइड लिमिट्स ऑफ द यूजेज देयर इन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉट एक्सीडिंग एनी स्पेसिफाइड तीसरा देख लेते हैं क्योंकि चार तक मैंने पहुँचने की बात कही है ना कि प्रिजर्वेटिव एंड कलरिंग एजेंट सेल भी मैंसन ऑन द लेबल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंज्यूमर एज रिक्वायर्ड अंडर रूल वन सिक्स वन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल नाइनटीन फोर्टी फाइव अब देखिए सब चेंज हो जाना चाहिए लेकिन किसको फुर्सत है चेंज करने की सही बोल रहा हूँ ये सब ड्रग रूल्स 2020 आ जाना चाहिए शायद नया एडिशन जब आएगा तो उसमें हो जाएगा धैर्य रखें तो क्योंकि अब ड्रग रूल्स 1945 ड्रग एंड कास्मेटिक रूल्स 1945 अब कुछ है ही नहीं है अभी बदल चुका है राइट तो अब चलते हैं आगे हाँ स्लिप ऑफ टंग नहीं है सब चीज़ें बदल गई हैं तो थर्ड है कि प्रिजर्वेशन कलरिंग एजेंट सेल बी मैंसन लेवल पर लिखना है रूल वन सिक्स वन आयुर्वेद के लिए एस्यू के लिए और फोर्थ लास्ट आज का कि एडिटिव्स यूज इन वेरियस प्रोसेस एंड इन फर्मेंटिंग सॉरी इन फार्मूलेटिंग डोजेस फॉर्म सेल बी मैंसन क्लियरली विथ क्वान्टिटी यूज इन द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस एंड रिकॉर्ड फॉर द सेम हेल्थ बी मेंटेन बाय द मैन्युफैक्चरर्स आप लोगों ने नोट किया होगा कि मुझे यहाँ से ही आ गई मैं जिस राज्य में निवास करता हूँ जिस राज्य में मेरा विश्वविद्यालय है उस राज्य के ड्रग लाइसेंसिंग कमेटी में मुझे अवसर दिए गए थे कार्य करने का दो बार दिए गए और दोनों ही बार मैंने त्यागपत्र दिया क्योंकि मेरी कुछ बनी नहीं सिद्धांतिक रूप से नहीं बनी उसमें एक रीज़न ये चौथा वाला भी था मेरे पास कुछ लाइसेंस के लिए जो फाइलें आती थी उसमें ये जो अप्लाई करते थे लाइसेंस के लिए तो जो प्रिजर्वेटिव एक्ट का और ये जो अमाउंट मिलाते थे उसमें वो कंपनी चाहे वो गाजियाबाद की हो चाहे गाजीपुर की हो चाहे वो देवरिया की हो या बुलंदशहर की हो सबका फॉन्ट साइज एक सबकी मात्रा एक वही लगता था तो मैंने एक दिन कह ही दिया क्यों भाई ये इंदिरा भवन के नीचे ही है सारी फैक्ट्रियाँ क्या उसी एक प्रिंटर से सारे फॉन्ट सारे मात्रा सारी ड्रग सब एक ही निकल के आती हैं इससे ज़्यादा बोलना हितकर नहीं होगा तो इसीलिए मुझे त्याग पत्र देना पड़ा था तो मैं नहीं सम्मिलित हो सकता था इस इन सब कामों में हो फिर दोबारा कहा गया कि नहीं 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 हम लोग सुधारना पहले पहले भी मना किया था कि नहीं मुझे मत लो भाई नहीं होगा नहीं नहीं हम सुधारना चाहते हैं गए हम भी बहुत खुशी मन से गए बड़े दुखी होकर लौटे इस्तीफा दूसरी बार में कहा कि नहीं नहीं हम आपकी बार वास्तव में सुधारना चाहते हैं वर्तमान वाली सरकार आ गई थी पहले टर्म की चलो भाई फिर तो वही चिराग तले अंधेरा फिर वही चीजें अरे मंत्री जी ने कहा इस फाइल को क्लियर करना है हमने कहा डॉक्यूमेंट लाइए क्लियर कर देता हूँ नो डॉक्यूमेंट और मिले डॉक्यूमेंट भी तो ऐसे ही वाले जिससे मैंने अभी पढ़ा अभी मैंने कहा आपसे अब मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ डर नहीं है मुझे क्योंकि बातों को तो जानना ही चाहिए जनता को और स्टूडेंट्स को तो और ज़्यादा जो हमारे सब्जेक्ट हैं जो इसको सुन रहे हैं कि कहाँ आपको केयर करनी है तो एडिटिव्स यूज इन वेरियस प्रोसेस एंड इन फॉर्मुलेटिंग डोजेस फॉर्म्स सेल बी मैंसन क्लियरली विथ क्वान्टिटी यूज इन द एप्लीकेशन्स फॉर लाइसेंस एंड द रिकॉर्ड फॉर द सेम सेल बी मेंटेन बाय द मैन्युफैक्चरर्स तो मैंने देखा है फाइलें लोग कैसे लाते थे किस तरीके से प्रिजर्वेटिव के मैं जो बात कह रहा था ना अब बुरा खुल के ही कह दूँ जो शुरू में मैं भूमिका बना रहा था ये जो छोटी छोटी कंपनियों के लाइसेंस देने के लिए आते थे वो वो इस तरीके से एक्सीपियस जो यूज करते थे जो यहाँ कलम फोर में पढ़ रहा हूँ नॉट रिलाएबल नॉट रिलायबल किसको कितनी मात्रा में डालना है कितना उन्होंने इनर्टनेस चेक किया वो वही जानते थे खाली और हम अनुमान लगा सकते थे और हम मना करते थे तो आज के लिए इतना ही फिर अगले मंडे को बात करते हैं ये रूल वन सिक्स नाइन के फाइव से और एट तक चलेंगे फिर इस बीच आपकी प्रतिक्रियाएं मिल ही जाएंगी कि शेड्यूल पे क्या करना है कि तेल पे बात की जाए क्योंकि देखिए जानकारियां तो बहुत हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए और एकदम अच्छे तरीके से पहुंचनी चाहिए सिस्टमेटिक पहुँचनी चाहिए कोशिश जारी रहेगी अभिवादन नमस्ते फिर मिलते हैं